मोनिका बेदी हुई थी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के इश्क में गिरफ्तार। फिल्में छोड़ अंडरवर्ल्ड की दुनिया के शख्स पर दिल गई थी हार। घंटों तक करती थी डॉन से बात करने के लिए इंतजार, तो चौपट हो गया था एक्ट्रेस का बसा बसाया फिल्मी करियर। 90 के दशक की वो खूबसूरत हसीना जिसने अपनी अदाओं से लोगों के दिलों पर राज किया था, वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका बेदी थी। अपने मासूम चेहरे से उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरा। सलमान खान और सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने वाली मोनिका बेदी फैंस के दिलों पर राज करने लगी थी, लेकिन जब बात खुद दिल लगाने की आई तो बॉलीवुड और फिल्मी दुनिया को छोड़ अंडरवर्ल्ड जा पहुंची और डॉन अबू सलेम के प्यार की हथकड़ी लगा बैठी। जी हाँ, 18 जनवरी 1975 को होशियारपुर पंजाब में जन्मी मोनिका बेदी इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं जिन्होंने एक समय पर तो अपनी अदायगी से हर किसी के मन में जगह बनाई और रातों रात स्टार भी बनी, लेकिन ये चकाचौंध उनसे ज्यादा देर तक संभाली नहीं गई। तभी तो आज आलम ये है कि वो ग्लैमर की दुनिया में ना के बराबर ही दिखाई देती है। साल 1995 में सुरक्षा फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली मोनिका ने कम समय में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान और सलमान खान जैसे स्टार्स के साथ काम किया। अभी उनका करियर उड़ान भरने ही लगा था कि उनकी जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, वो भी डॉन अबू सलेम के साथ। अबू सलेम के इश्क में वो इस कदर पागल हुई कि फिल्मी दुनिया से उनका नाता धीरे धीरे टूटने लगा। मोनिका की अबू सलेम से पहली मुलाकात 1998 में उस वक्त हुई थी जब वो दुबई में थी। अबू सलेम ने मोनिका को फोन किया और फोन पर उन्होंने खुद को एक बिजनेसमैन बताया। इसके साथ ही अबू ने मोनिका को स्टेज शो का ऑफर भी दिया था। इसके बाद से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वो मोनिका ही थी जिनकी ओर से इस रिश्ते में प्यार की चिंगारी चली थी। बातों का सिलसिला यूं बढ़ा कि वह अबू से बात किए बिना रह तक नहीं पाती थी। कई बार मोनिका घंटों अबू सलेम के फोन का इंतजार करती रहती थी। मोनिका अपनी हर बात अबू को बताने लगी थी। अबू सलेम के प्यार में वो ऐसे पड़ी कि सही गलत सब भूल गई। तो दूसरी ओर अबू सलेम पर कानून का शिकंजा कसने लगा और डॉन को दुबई छोड़कर अमेरिका रवाना होना पड़ा। मोनिका भी उनके साथ यूएसए शिफ्ट हो गई। मीडिया में ऐसी खबरें भी आई कि लॉस एंजलस की मस्जिद में दोनों का निकाह तक हुआ। हालांकि मोनिका ने इसे महज अफवाह करार दिया था, लेकिन इसी प्यार ने उन्हें बुरी तरह से बर्बादी की ओर लाकर खड़ा कर दिया था। मोनिका बेदी को अबू सलेम की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी। साल 2002 में उन्हें अरेस्ट किया गया था। 2 सालों तक वो पुर्तगाल की जेल में बंद रही। जेल से रिहा होने के बाद मोनिका बेदी ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की। वो कुछ समय तक डिप्रेशन का भी शिकार रही, जिसे बाहर निकलने के लिए उन्होंने गीता के पाठ भी पढ़े थे। अपने करियर की दूसरी शुरुआत में उन्होंने बिग बॉस 2, झलक दिखला जा 2 शोज में हिस्सा लिया था। बता दें कि लाइमलाइट की दुनिया से दूर मोनिका बेदी अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो कोई ना कोई वीडियो और तस्वीरें शेयर कर फैंस को अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट्स देती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।